नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, टीवी के फेमस क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 13 को हर बार की तरह इस बार भी फैंस के बीच काफ़ी पसंद किया जा रहा है। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन शो के दौरान कई बार कुछ खास खुलासे कर देते हैं जिनसे फैंस अनजान होते हैं। शो में अक्सर ऐसा होता है कि प्रतिभागियों को सहज करने के लिए या फिर बातों के दौरान वह भी अपनी ज़िंदगी या फिर करियर से जुड़ा कोई किस्सा शेयर कर देते हैं। कल के एपिसोड में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। शो में कल मनीषा शर्मा के बाद चिराग मांडोत हॉट सीट पर पहुंचे। चिराग मुंबई में एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। चिराग की कोचिंग सेंटर का नाम मयंक ट्यूटोरियल है। चिराग का यह कोचिंग सेंटर उनके भाई के नाम से है, जबकि कोचिंग सेंटर में काम शुरू करने से पहले चिराग विदेश में डेटा साइंटिस्ट थे। चिराग ने बताया कि उनका कोचिंग सेंटर ये उनके भाई ने अपने नाम से 2013 में शुरू किया था, लेकिन सितंबर 2019 में भाई के मर्डर के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर इसको संभाला था। इस दौरान चिराग ने बिग बी से बात करते हुए बताया कि महानायक जब उनका नाम ले रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। इस पर अमिताभ बच्चन ने बताया कि अखबार में भी अपना नाम आने पर बहुत खुशी होती है। एक्टर ने बताया कि जब वह कोलकाता में थिएटर करते थे तो दूसरे दिन अखबार को हम झपकते थे, लेकिन जब उसमें नाम आता था तो थोड़ी प्रसन्नता होती थी। इतना ही नहीं, हिमालय के एक सवाल पर भी अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनकी एक आगामी फिल्म की शूटिंग हिमालय पर ही शूट होने वाली है। ये सुनकर चिराग ने कहा कि वह उनको भी साथ ले चले तो बिग बी ने उनका इसके लिए स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस एपिसोड में शाहरुख खान की फिल्म जीरो से रिलेटेड एक सवाल भी पूछा गया। जीरो का गाना प्रतियोगियों को सुनाया गया था। आपको बता दें कि चिराग ने कल का शो खत्म होने तक 6,40,000 रुपये जीत लिए हैं। वह बाकी का खेल आज यानी बुधवार को खेलने वाले हैं। आज देखना होगा कि वे और कितनी रकम जीत कर घर लौट पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।